अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सब जगह इतनी जगह जाना पड़ता है, इनका थोड़ा गला जो है खराब हो रहा है। वो बोला, बोले मेरा गला खराब हो रहा है, बोला तू ही बोलियो मेरी तरफ से भी। महिला जी, मैं तो छोटी सी बात करता हूँ और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों का खुद का चुनाव है। ये लोगों को इतना चाव है यहाँ पर सबको कि लोग जो है हम खुद चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर ज्यादा आपको टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो भाभी जी और हम संभाल लेंगे, पवन सैनी जी है, बाकी सारी आपकी टीम, सारे आपके भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपका पूरा परिवार है यहाँ पर। तो आप तो पूरे हरियाणा के अंदर ज्यादा टाइम लगाना, और यहाँ तो कभी कभार बीच में आ जाना, आपकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही संभाल लेंगे। ठीक है कि नहीं भाई? हाथ खड़े करके बताओ सारे। ये देखो जी, हम सारे के सारे जो है, सारे भाई, कोई नायब सैनी बनकर, कोई नवीन जिंदल बनकर, कोई नरेंद्र मोदी जी बनकर, कोई पवन सैनी बनकर, कोई मिर्जापुर जी बनकर, हम सब जो है, हमारी बहनें जो है, कोई शालू जिंदल बनकर और कोई जो है सुमन सैनी जी बनकर, हम इस चुनाव को लड़ेंगे। और यहां से एक तरफा माहौल रहेगा और जो है बहुत शानदार जीत होगी। मैं आप सभी लाडवा वासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप सभी का इतना समर्थन मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनको कुछ ही समय मिला था, उनको 5 महीने भी पूरे नहीं मिले। आप जानते हैं कि बीच के अंदर उसमें आचार संहिता लग गई, उन 5 महीनों के अंदर भी उसने कितने ही जो है यहां कल्याणकारी योजनाएं चालू करी पूरे हरियाणा वासियों के लिए। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे, और आप दूसरी बार जल्दी ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और हम सब जो है उसके लिए एक दिन रात एक करेंगे। साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुझे आप लोगों की सेवा करने का, देश की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, जिसके लिए मैं, भारतीय जनता पार्टी, मेरा परिवार, आप सबका हमेशा ऋणी है। और मैंने यही कहा है कि जितना काम मैंने पहले अपने 10 साल के कार्यकाल में किया, आने वाले 5 सालों के अंदर उससे मैं 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। और 10 गुना इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, इनका आशीर्वाद है, इनका समर्थन है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों भाई मिलकर आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ, आप सब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लाडवा का विकास करेंगे, पूरे हरियाणा का हम विकास करेंगे। और इसके अंदर जो है आप सब लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जो भी हमारी ताकत है वो है जनता जनार्दन का, आप लोगों का आशीर्वाद। इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और हम बहुत खुशी खुशी, बहुत चाव से इस चुनाव को, क्योंकि ये हमारा चुनाव है, हमारा चुनाव है, इसको हम एक एक जगह जाकर के वोट मांगेंगे। जितना समय मैंने अपने चुनाव में लाडवा में लगाया था, उसे 4 गुना ज्यादा समय जो है मैं अब चुनावों के अंदर लगाऊंगा। यहीं डेरा डाल के रहेंगे, एक एक घर में जाएंगे और एक तरफा माहौल करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन जो है आप जानते हैं कि केंद्र सरकार, और दूसरा इंजन यहां पर राज्य सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, तो दोनों जो डबल इंजन की सरकार होगी, तो उसमें हर वर्ग का, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, चाहे मजदूर हो, शिक्षित हो, जितने भी हमारे सभी वर्गों के, बैकवर्ड क्लासेस के, जहां पर भी जो भी है, सबके हित के लिए ये सरकार काम करेगी, नायब सैनी जी काम करेंगे, और हम अपने मिलजुल कर अपने सपनों का लाडवा, और सपनों का कुरुक्षेत्र, और सपनों का हरियाणा का निर्माण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जोर से आप नारा देंगे, बहुत जोर से, भारत माता की।